इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। गोहलपुर थाना अंतर्गत नकली नोट बनाने वाले ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। गोहलपुर स्थित समता कॉलोनी के एक मकान में बन रहे थे नकली नोट। गोहलपुर समेत हनुमान ताल थाना पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी नरेश आसवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएसपी अखिलेश गौर के नेतृत्व में पुलिस ने मारी रेड। बोल इंडिया न्यूज के लिए जबलपुर से शमीम खान की रिपोर्ट। थाना गोहलपुर अंतर्गत समता कॉलोनी में एक बहुत दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक नरेश आसवानी नामक व्यक्ति है जो लगातार नकली नोट छापकर मार्केट में चला रहा है फुटकर में। उसी के तहत हमारे मुखबिर लगाए गए थे और आज सुबह सुबह हमारी हनुमानताल की टीम और गोहलपुर की टीम मेरे नेतृत्व में हम लोग गए और उसके घर पर दबिश दी, जहां पर अभी कार्रवाई लगभग चालू है और वहां से नकली नोट कुछ बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के तौर पर अभी तक पिछले 3 महीने से इसने लगभग 1.25 लाख के आसपास के नकली नोट खपा चुका है मार्केट में और विस्तृत इसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी वो पृथक से सूचित की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? अभी मुख्य आरोपी जो है नरेश आसवानी, उसकी गिरफ्तारी लगभग हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी की गई है। उसके पास से जब्ती हुई है जिसके खिलाफ़ FIR हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। और एक आरोपी और है तरु नाम से, उनको भी अभी हमारी टीम पकड़ने में लगी हुई है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कोई बड़ा गिरोह? ये अभी इनिशियल स्टेज पे अभी जानकारी अभी हम लोगों ने इनसे पूछताछ शुरू की है। जैसे जैसे फैक्ट आएंगे उसमें और जानकारी आपके सामने आ जाएगी। कैसे ये बनाते थे ये नोट? ये अभी जो इनके पास से एक कलर प्रिंटर मिला है, जो उस कलर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको रियलिस्टिक नोट के रूप में प्रेजेंट करते थे।